नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे डीजी बिहार। ये वीडियो मैं बना रहा हूं कुछ विशेष लोगों के लिए जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हैं, और ये बहुत जरूरी है। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं सोशल मीडिया के अपने बहुत लाभ हैं, अब लाभ गिनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके नुकसान भी, इसका दुरुपयोग भी होता है। कुछ मनचले लोग, कुछ सिरफिरे लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति के बारे में अभद्र टिप्पणी करना, अपमानजनक टिप्पणी करना जिससे उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचे, ये कानूनी जुर्म है। सोशल मीडिया पर इस तरह का कोई आपत्तिजनक पोस्ट करना जिससे किसी धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचे, ये कानूनी जुर्म है। सोशल मीडिया पर ऐसा कोई चित्र या फोटो या संदेश प्रसारित करना जिससे सांप्रदायिक सद्भाव, जातीय सद्भाव को नुकसान हो या जो राष्ट्र के हित में नहीं हो, ये कानूनी जुर्म है। सोशल मीडिया पर कोई ऐसा काम करना जिससे दूसरे की छवि खराब होती हो, ये भी कानूनी जुर्म है। तो इन सारी चीजों से बचना चाहिए। बहुत आसान है, ट्रैक करना बहुत आसान है, विज्ञान की काफी प्रगति हो गई है। आप कहीं हो, कहीं के हो, आप जो सोशल मीडिया पर भेजते हैं आपकी पहचान की जा सकती है, पुलिस आप तक पहुंच सकती है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग समाज को जोड़ने के लिए करें, मनुष्य की गरिमा को बनाने के लिए करें, बचाने के लिए करें, बढ़ाने के लिए करें, किसी व्यक्ति को अपमानित करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, किसी समुदाय को आहत करने के लिए, समाज में भाईचारा को खराब करने के लिए, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए, जाति उन्माद बनाने के लिए या देश को नुकसान पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है, क्योंकि कभी न कभी आप कानून के शिकंजे में जरूर आ जाएंगे। मैं खास करके नौजवानों को ये बताना चाहता हूं कि वो कभी कभी अज्ञानता बस, कुछ लोग तो जानबूझ करके इंटेंशनली करते हैं ये सब, तो उनके लिए तो मैं बहुत ही विनम्रता साथ कहूंगा कि वो अपना नुकसान कर रहे हैं और उनको कानून के पंजे में आने से कोई नहीं बचा सकता। कुछ ऐसे लड़के हैं, किशोर हैं, नौजवान हैं, जो अज्ञानता बस शेयर कर देते हैं इस तरह के वीडियो को। तो कोई भी आपत्तिजनक वीडियो को न शेयर करें, न लाइक करें, न अपनी तरफ से ऐसा कोई पोस्ट करें। कई ऐसे भी सिरफिरे हैं जो हाथ में दारू की बोतल लेकर के वीआईपी लोगों को गाली देते हैं, शराबबंदी कानून का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों को पुलिस की कड़ी नजर है, मुकदमे तो उसी समय दर्ज कर लिए जाते हैं, लेकिन इस बात के लिए आश्वस्त रहें कि धरती के किसी कोने में होंगे, उनको हम खोज करके निकाल ही लेंगे, आज नहीं तो कल वो बचेंगे। मेरी प्रार्थना है खास करके नौजवानों से, आपका करियर है, आपका भविष्य है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग हरगिज न करें, पूरी जानकारी रखें, पूरा सजग रहें, गलत साइट्स न देखें, सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा समय न बिताएं, इससे आपका समय नष्ट होगा और आपके करियर को नुकसान पहुंचेगा। जरूरत के अनुसार ही सोशल मीडिया का सदुपयोग करें, लेकिन दुरुपयोग तो कभी ना करें। इस बात को एक बड़े भाई की चेतावनी मान करके, सलाह मान करके, परामर्श मान करके आप अमल में लाएंगे, आपका भला होगा।